हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आप सब ठीक होंगे? ठीक है ना, पढ़ाई वढ़ाई चल रही बराबर? जिसकी भी पढ़ाई नहीं चल रही वो सीरियसली ले, क्योंकि बोर्ड क्लास है आपकी और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीजें अभी ऑनलाइन हो जाएगी उनको अभी कर लोगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस क्या किया था, डीपी और डीएम के बारे में, ठीक है ना, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, ठीक है। अगर आपने रिविजन किया होगा कल पढ़ के वापस, तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी बात। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डीपी, दूसरा होता है डीएम। डीपी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया था कि जो पोर्शन लेस अमाउंट में होता है उसे डीपी बोलते हैं, और जो पोर्शन एक्सेस अमाउंट में होता है उसे डीएम बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोलाइडल विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा होता है प्रक्षेपण माध्यम। जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो कम मात्रा में जो घटक होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, जो घटक अधिक मात्रा में होता है कोलाइडल विलयन में उसे अपन प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी कोलाइडल विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से। तो उन्हीं पे बेसिस मैंने आपको कल दो स्टार पॉइंट जो नॉट पॉइंट है वो भी लिखवाए थे और उसमें मैंने आपको बताया था, तो वहां से क्वेश्चन बनाया मैंने। दो क्वेश्चन आपके पॉसिबल है इस तरीके से, फिर अगले दो क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और रीड कीजिए और आंसर तैयार कीजिए अपना। देखो क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। इन द फॉलोइंग डीपी, यानी चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी, ऑप्शन चार है। चारों ऑप्शन में से डीपी पे क्या लागू होता है, क्या अप्लाई होता है, इनमें से डीपी क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने कंटिन्यूस, यानी कि सतत, यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था के लिए पूछा जा रहा है कि वो क्या है, क्या वो सतत है, क्या वो कंटिन्यूस है। दूसरा है डिसकंटिन्यूस, तो क्या वो डिसकंटिन्यूस है, क्या वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों होती है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से आप रिकॉल कीजिए और लिखिए अपना आंसर, उसके बाद मिलाना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या, आपको कल बताया था डीपी इज डिसकंटिन्यूस। मैंने बताया था डीपी के पार्टिकल डीएम में जाते हैं और डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे स्मोक के पार्टिकल है, धुएं के पार्टिकल है, एटमोस्फियर में जाते हैं, गैस में जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, और वहां जाने के बाद सब एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो डीपी क्या होता है, असतत होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, इसका आंसर होगा बी, असतत डिसकंटिन्यू, ठीक। वैसे एक और क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डीपी, फिर डीपी के लिए एक क्वेश्चन और बनाया, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या इंटरनल होती है, क्या एक्सटर्नल होती है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था, इंटरनल का मतलब है यहां पे आंतरिक, ठीक है, और इसका मतलब है बाहरी। तो मैंने कल आपको बताया था परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों के बारे में। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। आपको कल बताया था कि डीपी के पार्टिकल जो है हमेशा डीएम के अंदर जाते हैं, यानी डीपी का पार्टिकल, ठीक है ना, इंटरनल पार्ट में जाता है डीएम में, ठीक है। तो डीपी क्या होता है, इंटरनल, और डीएम होता है एक्सटर्नल। तो डीपी यहां पर क्या होगा, इंटरनल, मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, ए ऑप्शन हो गया, इंटरनल। तो डीपी इंटरनल और डिसकंटिन्यूस होता है, कल जो पॉइंट था उसी में से आपका आंसर आ गया, ठीक। वैसे मैं क्वेश्चन अभी आपको चेंज कर रहा हूं, अब आप फटाफट से आंसर बताना आप मुझे दोबारा से। अगर मान लीजिए डीपी की जगह मैं डीएम कर देता हूं, ठीक है, और यहां भी मैं डीपी की जगह डीएम कर देता हूं, तो क्वेश्चन के ऑप्शन तो वही रहेंगे बट आंसर आप बदल जाएंगे। आप एक बार फिर से आंसर पे विचार कीजिए। अब क्वेश्चन आपका बदल गया है, क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएम क्या होता है। तो भैया आपको कल से पता है डीएम क्या होता है, बेटा कंटिन्यूस होता है, जैसे मैंने बोला था गैसेस इज एवरीवेयर, गैस यहां वहां सब जगह, तो वो कंटिन्यूस है। और डीएम क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। तो आंसर हो गया बी और ए। इस तरीके से चार पॉसिबल क्वेश्चन जो एमसीक्यू वहां से बन सकते हैं स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पे। कोलाइड क्या होता है, ठीक है, कोलाइड में क्या क्या फेजेस होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कोलाइड का जो कंप्लीटली इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, यानी कोलाइड के प्रकार, कितने प्रकार का कोलाइड होता है, कोलाइड का वर्गीकरण। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।